अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम हम लास्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की चैप्टर वन की एक्सरसाइज कर रहे थे ठीक है इस एक्सरसाइज़ के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर नाइन का ए और बी पार्ट किया था अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जो है इसका सी पार्ट जो है इसमें वो ये कहता है कि वन एटी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज़ एंड थ्री फोर्टी टू ग्राम्स ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स इनके नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन दैम तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं क्यों अच्छा अब हमने जब नंबर ऑफ़ मोल्स को डिफ़ाइन किया था तो आपको याद होगा हमने ये कहा था कि मैस इन ग्राम्स एक्सप्रेस्ड अटामिक मैस ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज़ कार्ल्ड वन मूल ठीक है ये हमने मोल की definition. की थी ठीक है अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो इनके ऑटोमिक मैसेज होते हैं जैसे वन ग्राम इसका ऑटोमिक मैस है या मोलिकुलर मैस कह सकते हो मोलिकुल केस में मोलिकुलर मैस होगा एटम के केस में ऑटोमिक मैस होगा ठीक के है तो वन एटी ग्राम जो है वो इसका मॉलिकुलर मैस है इसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं हम कहते हैं वन एटी ग्राम्स तो फिर वो हो जाता है वन मोल ऑफ ग्लूकोज़ सिमिलरली थ्री टू ग्राम्स ऑफ सुक्रोज वुड बी इक्वल टू वन मोल ऑफ सुक्रोज़ तो जो आपके पास ग्लूकोज़ है वो क्या है सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स ये एक मॉलिक्यूल है ठीक है तो एक मॉलिक्यूल जो है उसकी अगर वन एटी ग्राम्स हों ठीक है यानी वन एटी ग्राम्स ऑफ दिस हम अगर अगर हम लेते हैं तो ये वन मोल के इक्वल हो जाएगा ठीक है और ये कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंस पर ट्वेंटी थ्री क्योंकि हमें पता है मोल की एक और डेफिनेशन है कि वो स्पिश जिसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंस पर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स कंटेन करें वो वन मोल के इक्वल होगा ठीक है सिमिलरली सुक्रोज जो है उसके थ्री फोर्टी टू ग्राम्स हैं मीन इसके अटोमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस किया तो वो वन मोल के इक्वल हो गया और वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स ये कितने मालिक्यल्स हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंस पर ट्वेंटी थ्री तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इनके अंदर सिमिलर है ठीक है अब हमने एटम्स की बात करनी है तो आप देखें जो आपके पास ग्लूकोज है इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं छः कार्बनस हैं छः ऑक्सीजनस हैं ट्वेल्व हो गए और ट्वेल्व हाइड्रोजन हैं टोटल है। एटम्स हो गए ट्वेंटी फोर ठीक है और सिमिलरली सुक्रोज जो है उसके अंदर ट्वेल्व कार्बन हैं 11 ऑक्सीजन हैं तो ये ट्वेंटी थ्री हो गए ट्वेंटी थ्री के अंदर ट्वेंटी टू आप हाइड्रोजन के ऐड करें तो ये बन जाता है फोर्टी फाइव ठीक है ट्वेंटी फोर एटम्स इसके हैं फोर्टी फाइव एटम्स इसके हैं इसको अगर आप टोटल सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू इंटू टेंस पार्ट ट्वेंटी थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंस पार्ट ट्वेंटी थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी जब ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई और आंसर देगी सेम क्वांटिटी जब फोटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई और आइटम देगी कोई और आंसर देगी दे। यानी आइटम जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे अच्छा जी तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है उसका डी पार्ट है डी पार्ट क्या कहता है हमें डी पार्ट हमें ये कहता है कि फोर पॉइंट नाइन ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर इतने मौजूद हों हमारे पास आयोनाइज़्ड वाटर के अंदर ठीक है तो वो कहते हैं कि इसके इक्वल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन पॉजिटिवली चार्ज आइन्स जो होते हैं उनकी तादाद नेगेटिवली चार्ज आयन के मुकाबले में डबल होती है क्यों ऐसा होता है अब ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने क्या कहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के अंदर आयोनाइज़ होता है तो टू प्लस वन प्लस टू हो गया और ये माइनस टू चार्जेस सेम रहते हैं लेकिन जो आयनस हैं नंबर ऑफ़ आइंस हैं वो पॉजिटिव के डबल होते हैं और नेगेटिव के सिंगल होते हैं ऐसा क्यों होता है अब इसके लिए हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले ठीक है फोर पॉइंट हम टेक्निकली बात करेंगे ना हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे फोर क्योंकि उसने फोर पॉइंट नाइन ग्राम इसका मैस दिया हुआ ना इसलिए हम इसको सॉल्व करके बात करेंगे हम फोर पॉइंट नाइन ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम अब देखते हैं कि इसके ग्राम में गिवन है हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे मोलर मैस निकालेंगे इसका ठीक है एच टू एस ओ फोर का तो हाइड्रोजन के दो हैं और इसका अटोमिक आटॉम, नंबर होता है वन ठीक है और सल्फर का जो आ, होता है अटोमिक मैस होता है थर्टी टू ठीक है और सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसका अटोमिक मैस होता है सिक्सटीन हमने इसको कैलकुलेट करके इसका मोलिकुलर मैस निकाली दैट इज नाइन्टी एट ग्राम पर मोल ठीक है अच्छा अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉमूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकल होते हैं इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस तो इन ग्राम हमारे पास फोर पॉइंट नाइन ग्राम्स हैं ठीक है मालिकुलर मैस हमने यहाँ से निकाल लिया नाइनटी एट ग्राम पर मोल ग्राम्स को ग्राम से कैंसिल कर दिया इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ठीक है अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे क्योंकि उसने ये कहा था कि हमारे पास कम्प्लीटली आयन जब इसको वाटर में किया जाता है तो इक्वल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस तो आ जाते हैं ठीक है लेकिन नंबर ऑफ़ पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वो ट्वाइस होते हैं ठीक है हम मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं कि फॉर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस सपोर् उसके लिए स्पेसिफिक फॉमूला होता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोज पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स हमारे पास आ गए उसको हमने एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के ठीक है जो इतने ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब एक मॉलिक्यूल जब वाटर में आयनाइज होता है तो वो दो हाइड्रोजन आइन्स और एक सल्फेट आइन प्रोड्यूस करता है ठीक है अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहा है यानी वन रेशियो टू है अगर टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डबल हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे सिमिलरली एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल अगर एक सल्फेट आइन प्रोड्यूस कर रहा है तो थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेंस पर ट्वेंटी टू मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल ऑल्सो प्रोड्यूस थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेंस पर ट्वेंटी टू मालिक्यूल्स ऑफ आइंस ऑफ सल्फेट ठीक है तो हम हाइड्रोजन और सल्फेट का जब कंपैरिजन करते हैं तो जब इसका एक मॉलिक्यूल इसके डबल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंस पर ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन्स पर ट्वेंटी टू जो 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 इसके आइन्स हाइड्रोजन के वो प्रोड्यूस होंगे और सल्फेट के होंगे थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेंस पर ट्वेंटी टू ठीक है तो इन दोनों के दरमियान जब हम देखेंगे तो ये टू रेशो वन होगी यहाँ पर भी आप देखें ना तो ये टू रेशो वन ही है इन दोनों के दरमियान क्वेश्चन नंबर नाइन का जो नेक्स्ट पार्ट है ई उसमें वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि वन मिलीग्राम ऑफ के टू सी आर ओ फोर पोटाशियम क्रोमेट हैज़ थ्राइस नंबर ऑफ आयंस दैन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स वन आयोनाइज इन वाटर सवाल पूछ क्या रहा है वो वो ये कह रहा है कि जब हम क्रोमेट आयन को या पोटाशियम क्रोमेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो રાઇસ નંબર ઓફ ફાઇન્સ પ્રોડ્યુસ કરતા હૈ ઉસકે જો ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા યુનિટ્સ હોતે હે ઉસે 3 ગuna જ્યાદા નંબર ઓફ ફાઇન્સ પ્રોડ્યુસ કરતા હૈ ક્યુ અચ્છા અબ ઇસમે 1 મિલિગ્રામ યે ઉસને અગેન હમે માસ દિયા હુઆ હૈ ઠીક હે ઇસે હમ સબસે પહેલે તો ઇસકે નંબર ઓફ મોલ્સ નિકાલેંગે फिर उसके बाद हमारा फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्राइस किस तरह से देता है सबसे पहले हम इसका मैथ्स निकालेंगे मैथ्स तो उसने गिवन है ना हमें ये वाला जो वन मिलीग्राम मिली ग्राम वन मिली का मतलब होता है टेंस पर माइनस थ्री मिली जो है ये परफेक्स होती है तो इसे हम टेंस पर माइनस थ्री कहते हैं वन मिलीग्राम इज इक्वल टू टेंस पर माइनस थ्री ग्राम्स मोलर मैथ निकालने के लिए हम पोटाशियम का मैथ्स क्रोमियम का मैस और ऑक्सीजन के मैस को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो इसका मालिकुलर मैस आ जाता है वो वन नाइनटी फोर ग्राम पर मोल आ जाता है अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस मैस इन ग्राम्स है आपके पास टेन्स पर माइनस थ्री ग्राम्स मोलर मैस है आपके पास वन नाइन्टी फोर ग्राम्स ग्राम पर मोल हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव पॉइंट वन फाइव इंटू टेन्स पर माइनस सिक्स मोल्स टोटल फार्मूला यूनिट्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो कैसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो जब हम इसको जितने हमारे पास मोल्स आए हैं इसको हम एवो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री पॉइंट वन जीरो इंटू टेन्स पार वन एट हमारे पास फार्मूला यूनिट्स निकल आएंगे अब फार्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि इसका फार्मूला ठीक है तो के टू सी आर टू सी आर ओ फोर जो है जब ये एक फार्मूला यूनिट आयनाइज होता है तो ये दो पोटाशियम आइंस प्रोड्यूस करता है और एक क्रोमेट आयन प्रोड्यूस करता है दो और एक टोटल कितने आइंस प्रोड्यूस कर रहा है तीन वन फार्मूला यूनिट प्रोड्यूज आइंस थ्री ठीक है तो अगर इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे थ्री पॉइंट वन जीरो इंटू टेंस पर एटीन तो ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली थ्री को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ठीक है तो एक फार्मूला यूनिट अगर थ्री प्रोड्यूस कर रहा है तो इतने फार्मूला यूनिट थ्री मल्टीप्लाई बाई दिस तो वो आ जाएगा नाइन पॉइंट थ्री जीरो इन टू पर एटीन आइन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन का एफ पार्ट कि अगर टू ग्राम्स हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सिक्सटीन ग्राम्स हो आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल के या फोर्टी फोर ग्राम्स हों कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मोिक्यूल के तो ये सेपरेटली ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब वालीम ऑकुपाई करते हैं ऑल द दाइज एंड द मैसेज ऑफ थ्री गैसेज आर वेरी डिफरेंट फ्राम ईच अदर इसका मैस भी डिफरेंट है इसका मैस भी डिफरेंट है यानी दो टू देखें ना टू सिक्सटीन फोर्टी फोर कितने डिफरेंट है लेकिन ये एक जैसा वॉल्यूम ऑकुपाई करते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि एवो लॉ हमें ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स या इक्वल मोल्स ऑफ गैस ऑकुपाई इक्वल वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है ये टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये वन मोल है ठीक है सिक्सटीन ग्राम ऑफ सी एच फोर भी वन मोल है ठीक है फोर्टी फोर ऑफ़ सी ओ टू इज ऑल्सो इक्वल टू वन मोल तो वन मोल जब ये कंटेन करेंगे तो ऑबियसली ये ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब वॉलीम भी आपको करेंगे तीनों के तीनों ठीक है अच्छा अब ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके पास मोलर वॉल्यूम है ना ये साइज़ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का साइज़ क्या है मीथेन का साइज़ क्या हाइड्रोजन का साइज़ के इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता और ना ही इसके मैस के ऊपर डिपेंड करता है चाहे मैथ टू है सिक्सटीन है फोर्टी फोर है ना तो इस पर डिपेंड कर रहा है ठीक है और ना ही इनके साइजेस पे डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली हाइड्रोजन का साइज़ छोटा होगा सी एच फोर का उससे बड़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल का ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा ना तो साइजेस पे डिपेंड करते हैं ना मैसेज़ पर डिपेंड करते हैं क्यों इसलिए कि जब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हम रखते हैं तो इनका डिस्टेंस जो है आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो थ्री हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा हो जाता है जब थ्री हंड्रेड टाइम ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस तो फिर वो एक दूसरे का ना तो साइज इफेक्ट करेगा उसके ऊपर और ना ही मैस इफेक्ट करेगा ठीक है तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इक्वल वॉल्यूम ऑक्योपाई करते हैं चाहे इनके मैसेज डिफरेंट हैं चाहे इनके साइज़ डिफरेंट हैं वॉल्यूम ये एक जैसा ही ऑक्योपाई करेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो मुकमल हो गया क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़